आज हम जैसे डिस्कस करने लगे हैं हाउ टू हैंडल अ प्रोफाइल या क्लाइंट, तो हम अपवर्क के ऊपर आते हैं जिसके अंदर ये ऐसे फील आएगा कि जैसे आपने टोटल ही न्यू प्रोफाइल बनाई है, टोटली न्यू प्रोफाइल, जिसकी वजह से मैंने इसको प्राइवेट पे किया है। प्राइवेट पे एक दफा अगर आप कर दें तो आप उसको दोबारा पब्लिक पे तब तक नहीं ला सकते जब तक आप क्लाइंट से कोई प्रोजेक्ट या क्लाइंट आपसे कोई प्रोजेक्ट पे बात नहीं करता। इट मीन्स कि ऐसी फील आएगा कि आपने बिल्कुल न्यू प्रोफाइल ही क्रिएट की है, न्यू प्रोफाइल क्रिएट किया है। इसमें ना अभी अपवर्क ने एडवांस फ्रीलांसिंग को करवाने का या करवाने का मकसद ये है बैकएंड के ऊपर कि अपवर्क ने और फाइवर ने कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें निकाली हैं, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें उन्होंने निकाली हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं? सो अपवर्क के अंदर हमारे पास है टैलेंट टूल बॉक्स, टैलेंट टूल बॉक्स प्रोफाइल डीप डाइव विद अपवर्क कोचेस। ओके उस्मान, अच्छा ये क्या चीज है? इसमें आपके पास डिफरेंट प्रोफाइल्स पे डिफरेंट इवेंट्स वगैरह करते हैं ये लोग, ये अपवर्क के वो कोचेस हैं जिन्होंने ट्रेन करना होता है कि आप किस तरह से अपवर्क के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को आप पिक करोगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को आप कर सकते हो। अब हम एक काम करते हैं, अब इसमें जो पहला काम होगा वो पहला काम क्या है? पहला काम यह है कि जैसे प्रोफाइल टोटल न्यू है तो हम यहाँ पर किसी भी एक रैंडमली मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। जैसे मैं इस प्रोफाइल दिखा देता हूँ कि आपने प्रोफाइल में किस किस चीज का ध्यान रखना होता था। सो आपकी जो प्रोफाइल होती है अगर तो वो इस पे अवेलेबल है, इट मीन्स कि आपको अर्ली सक्सेस ऑलरेडी अवेलेबल है। ये राइजिंग टैलेंट होता है, शो द स्ट्रॉन्गेस्ट पोटेंशियल बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल एंड अर्ली सक्सेस ऑन अपवर्क। अपवर्क पे जब आपको अर्ली सक्सेस मिल जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो आपके पास राइजिंग टैलेंट का टैग लग जाता है। प्रोफाइल प्राइवेट करने से आपको ये होता है कि आप बिल्कुल ऐसे नजर आएगा जैसे आपकी अभी अभी प्रोफाइल बनाई गई है, अभी अभी प्रोफाइल बनाई गई है। आपने कुछ यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और अपना डेटा वगैरह प्रोवाइड करना है, जो आपका छोटा सा डेटा है। तो आपने जब आपकी प्रोफाइल प्राइवेट हो जाती है तो आपको कंसल्टेशन का एक टैग ओपन होगा, तो आपने सेटअप करना है कंसल्टेंट को या कंसल्टेशन को। अब इसमें क्या आएगा? इसमें आपका वो आएगा कि आप अब अप्लाई कर रहे हो टूवर्ड्स द अपवर्क, आप अपवर्क को अब बताने लगे हो कि आपको क्या चाहिए एज अ कंसल्टेंट। अब जाहिर बात है लोग कंसल्टेंट हायर करते हैं, नाउ यू आर गोइंग टू बी द कंसल्टेंट टू द पर्सन, ताकि आप राइजिंग जो टैलेंट टूल बॉक्स है आप इसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सको एज एन एंटरप्राइज या डिफरेंट कैटलॉग्स में। अभी हम उसको भी बाद में जाके देखेंगे। इसमें आएगा ताकि आपको इसमें ये चीज का पता लग जाएगा हाउ टू टेक केयर ऑफ योर क्लाइंट, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर क्लाइंट। तो पहले हम बात करते हैं वेब प्रोग्रामिंग के अंदर, CMS builder, content marketing, then मैं इसको और भी open कर लेता हूँ, IT support and services, cyber security and data protection, data analytics, इसमें से मुझे एक remove करना पड़ेगा, so मैं इधर से web programming को remove कर देता हूँ। आवाज स्लो आ रही है, आई गेस रेडमी आवाज तो बिल्कुल ठीक है ऑन माय साइड एज वेल। रेडमी 9C आप एक काम करें कि आप या तो हेडफोन्स यूज करके चेक कर लें द वॉइस इज गुड और नॉट, देन डू लेट मी नो एज वेल। अच्छा ये आपने कर दिया, इसके बाद कस्टमर्स जो कस्टमाइज टॉपिक होते हैं अगर हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अब आएगा प्राइसिंग की बारी। आप एज ए कंसल्टेंट डिफरेंट जगह पर अप्लाई करते हैं तो आपको वो बताएगा कि आप कितने टाइम के कंसल्टेंसी, फाइवर से जो आप मनी विथड्रॉ करते हैं आपके बैंक अकाउंट में होके, मैं आपको एक उसका तरीका बता देता हूं इसके बाद कि आपने फाइवर से अपने पैसे कैसे विथड्रॉ करने हैं। सो आई विल लेट यू डाउन कि आप उसको कैसे विथड्रॉ करेंगे फाइवर के अकाउंट से। अच्छा यहाँ पर आपके 30 मिनट के जो चार्जेस होंगे वो आप मेंशन करेंगे, जैसे मेरे यहाँ पे $350 फॉर कंसल्टेंट के आ रहे थे। अब आप सोचेंगे कि इतने ज़्यादा आपको स्टार्ट में कोई पे नहीं करेगा, लेकिन आपने $100 से नीचे
एज ए कंसल्टेंट नहीं आना, उसकी एक रीजन है. जब अगर आप $100 से नीचे एज अ कंसल्टेंट आते हैं तो नो वन इज गोइंग टू हायर यू. सो दीज आर द रूल्स यू कैन से. अच्छा, गाइडलाइंस में आपने क्या डिस्क्राइब करना है? व्हाट काइंड ऑफ गाइडलाइंस या गाइडेंस यू कैन प्रोवाइड टू द क्वेश्चंस? अच्छा, गाइडलाइंस क्या होंगी या गाइडेंस क्या आप प्रोवाइड करोगे? आप तो एज अ कंसल्टेंट हो तो आपको तो पता लगेगा, कोई जब बंदा आपको हायर करने की कोशिश करेगा तो आपने कुछ डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी अपने पास रखनी है, तो अब आप वेबसाइट और इस तरह की चीजों के एज अ कंसल्टेंट हो तो आपने देना है ऑल इन वन सॉल्यूशन डैश फाइंड माय कोड. अब फाइंड माय कोड एक आपका हैशटैग आ जाएगा. फाइंड माई कोड विल बी योर हैशटैग. क्यों? क्योंकि यहां से आप अपने क्लाइंट को यह बता पाओगे कि आप एक स्पेसिफिक डोमेन में काम कर रहे हो. अगर आप काम कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में तो यहां पे आएगा फाइंड माई डिजिटल. अगर आप काम कर रहे हो कॉन्टेंट राइटिंग में, अगेन यहां पे आएगा फाइंड माई कॉन्टेंट. फिर अगर आप किसी फोटोग्राफी में काम कर रहे हो, फाइंड माय पिक्चर्स. अगर आप वीडियोग्राफी में काम कर रहे हो, फाइंड माय विड. फिर इसी तरह आपकी जितनी डोमेन्स हैं, एनीथिंग यू वांट, तो आप यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दोगे एज योर गाइडलाइन. अब मेरा कोडिंग का है तो मैं इसको यहाँ पे कोडिंग के लिहाज से लिखता हूं. मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा वेब सॉल्यूशंस. वेब सॉल्यूशंस आर देयर बाय फाइंड माय कोड which helps you to lead your website into the international ranking system as well as add the value added services to your website. तो आपके पास एक ही डिस्क्रिप्शन अटैच हो जाएगी, ये डिस्क्रिप्शन जो आप अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग लोगों तक पहुंचाएंगे, वेबसाइट के अकॉर्डिंग लोगों तक देंगे. यहां से आपका डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लाइंट प्रोजेक्ट, जो आपको डॉक्यूमेंट क्लाइंट देगा, प्रोजेक्ट प्लान और मीटिंग समरी, देन डिलीवरी डेज, आप इसको 3 days के अंदर कंफर्म करके इसको ओके कर दोगे. अवेबिलिटी, आपकी अवेबिलिटी क्लाइंट के साथ किस तरह होगी, तो या तो आप यूज गूगल करो या यूज माइक्रोसॉफ्ट करो. तो ज्यादातर लोग गूगल के ऊपर ही एग्री करेंगे. तो यहां पे आप अपनी गूगल की जो ईमेल है वो अटैच कर देंगे, गूगल की ईमेल आप इसके साथ कनेक्ट कर देंगे. अच्छा उस्मान गनी, जो आप अपवर्क के ऊपर जाके रिएक्ट जेएस की जॉब डिस्क्रिप्शन या कोई भी ऐसी जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसको आप इसमें काम करते हो, आपको ये सेम तरीके से ही विन करनी पड़ती है. सेम तरीके से ही आपको प्रपोजल एक देना पड़ेगा. मैं अभी प्रपोजल वाली साइट पे भी आ जाता हूँ. अब ये तो वो चीज है जो एडवांस फ्रीलांसिंग के अंदर हम लोग करवा रहे हैं, या ये एडवांस फ्रीलांसिंग के अंदर करवाई जाती है जिसमें हम मीटिंग डिसाइड करते हैं क्लाइंट के साथ. तो आपको ज्यादातर लोग ऐसा कंसल्टेंट भी हायर करेंगे. शफकतुल्ला, आपका अगर कोई क्वेश्चन है सो यू कैन इजीली आस्क मी इन द मैसेज बॉक्स. अब एज अ कंसल्टेंट अगर आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं तो अब आपकी मिनिमम बुकिंग नोटिस, मिनिमम एक डे में आप पर डे पे या मिनिमम 2 days में आपकी वीकली कितनी मीटिंग्स होंगी? वीकली आपकी 4 हैं, मिनिमम बुकिंग पर डे के ऊपर आप 2 कर दो. 4 weeks में यू कैन इजिली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. कंटिन्यू.
इसके बाद FAQs, आपके कोई FAQs नहीं है तो आप यहां से मैंडेटरी हटा के इसको सेव कर लो और सेव एंड कंटिन्यू करो। यहां पर आपने पिक्चर अपडेट करनी है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपने यहाँ पे पिक्चर या डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। आवाज नहीं आ रही, वैसे आवाज तो ऑलमोस्ट क्लियर है, अगर आप अपना स्पीकर या माइक स्पीकर देख रहे हैं तो यू विल गेट टू नोटिस। अच्छा, अगर आपके पास कोई इमेज नहीं है तो आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट ही अपडेट करें, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट ही अपडेट करें। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट लिख के रखा हुआ है, सो आई एम गोइंग टू अपडेट दैट डॉक्यूमेंट डायरेक्टली। सो मैं उसका डॉक्यूमेंट जो है वो डायरेक्टली वही अपडेट करूंगा। और इसको कंटिन्यू कर दूंगा और इसमें क्या एरर आ गया है, प्लीज सेट वन ऑफ द मीडिया आइटम। ओके, मीडिया आइटम में एक पिक्चर भी हम अपडेट कर देते हैं एंड दैट विल बी लाइक, मैंने रैंडमली एक पिक्चर अपडेट कर दी है and it will be like this way uploaded aur main isko ab save kar dunga। yes, iske liye laptop hona zaruri hai, वैसे मोबाइल से भी ये काम किया जा सकता है लेकिन मोबाइल पे इतना इफेक्टिव कम होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, इसको भी आप बाय सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स, आई कैन अंडरस्टैंड, जो चीजें मैंने कंसल्टेंट के लिए अपडेट की हैं वो परफेक्टली फाइन है और इसको आप यहां से सबमिट कर दोगे। सबमिट फॉर रिव्यू, अब यहां पर मेरा रिव्यू उसने ऑटोमेटिकली क्लियर कर दिया है, ऑटोमेटिकली मेरा रिव्यू क्लियर कर दिया गया है, ऑटोमेटिकली मेरा रिव्यू क्लियर कर दिया गया है। अंडर रिव्यू गया हुआ है और एक अप्रूवल के लिए गया हुआ है। अब रिव्यू मेरा यहां से अप्रूव होगा तो मैं अपना जो प्रोजेक्ट है उतनी देर में अपने प्रोजेक्ट को यहां पर ऑनलाइन क्रिएट कर सकता हूं। अब ये जो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मेरी प्राइसिंग गैलरी रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन रिव्यू जाएगा, अब जो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा ये प्रोजेक्ट होगा मेरा टैलेंट टूल बॉक्स वालों के लिए, जहां पर मैं लॉग इन करता हूं। ये मेरा लॉगिन होके वापस इधर ही आ गया। अब बेस्ट मैचेस मुझे जॉब देगा अकॉर्डिंग टू माय प्रोजेक्ट रिव्यू एंड प्राइस, अकॉर्डिंग टू माय प्रोजेक्ट रिव्यू एंड प्राइस। अब ये मेरे पास मेरी बेस्ट जॉब्स रिसीव हो रही हैं। हाँ श्योर, व्हाई नॉट, आपको इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो LMS पे ही मिल जाएगी, सो डोंट वरी। और ट्राई किया करें कि आप या तो रोमन इंग्लिश में टाइप कर दिया करें, क्योंकि उर्दू इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड ऑन दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। अच्छा, अब मैं यहां से किसी प्रोजेक्ट को पिक करता हूं, उसका प्रपोजल सेंड करता हूं, चाहे वो मेरे पास रिएक्ट है, चाहे वो मेरे पास नॉट जेएस है, चाहे वो कुछ भी है। सो आई एम गोइंग टू राइट अ प्रपोजल, आई एम गोइंग टू राइट अ प्रपोजल फॉर माय क्लाइंट, going to write a proposal for my client। और इसके साथ साथ अगर मैं इस पे अपना काम सही से कर सकता हूं तो मैं एक इंटरव्यू के लिए एक जगह पे जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड द TopTel, क्योंकि ये हायर करते हैं राइजिंग टैलेंट्स को बेस्ट से, हायर टॉप टैलेंट्स। यहां से आपको पता लगेगा कि आप क्या कर सकते हो, और अगर आप एज अ फ्रीलांसर यहां पे काम करते हो तो आपको यहां से इंटरव्यू हो के आपको गुजरना पड़ेगा, यहां से आपको इंटरव्यू दे के गुजरना पड़ेगा। अब हम प्रपोजल पहले लिख लेते हैं। अब मेरे पास मेरे दो प्रपोजल ऑलरेडी मेंशन है यहां पे, एक तो जर्नल प्रोफाइल है, एक मेरी प्रोफाइल है दूसरी जिसमें हम मशीन लर्निंग की या डेटा इंजीनियरिंग की, तो मैं मशीन लर्निंग से, डेटा इंजीनियरिंग में मेरी वेबसाइट भी आ जाती है तो मैं डेटा इंजीनियरिंग की प्रोफाइल से उसको अप्लाई करूंगा।
अब यहाँ पर टॉप टेल के अंदर रुकेगा साइन इन विद लिंक्डइन, तो आपने इधर साइन इन करना है विद योर लिंक्डइन आईडी। टॉप टेल में अगर आप ऐसा, ये आपको ना इंटरव्यू के लिए खुद से इनविटेशन देंगे। अबे देखें, ये मेरा एक चीज थी जो मैंने पास करके यहाँ पर रखी थी। तो यहाँ पर जब आपकी प्रोफाइल बनती है तो आपको एक्चुअली इंटरव्यू खुद दिया जाता है। सो दैट्स माय प्रोफाइल, क्योंकि यहाँ से मैं पास आउट हो गया था, इसको मैंने पास कर लिया था इस टॉप टेल के इंटरव्यू को। टॉप टेल के इंटरव्यू को पास करके जब आपकी प्रोफाइल यहाँ पर बन जाती है, तो आपकी जो प्रोफाइल होती है वो डिफरेंट जगह पर शो भी की जाती है। सो डिफरेंट जगह पर वो प्रोफाइल आपकी शो भी होती है, और आपको यहीं से काम मिलता है कि आपने वर्किंग कैसे करनी है। तो एक्चुअली इंटरव्यू यही लोग आपका लेते हैं, और यही लोग आपको काम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इनका टॉप टेल का एक प्रोसेस है। टॉप टेल का जो प्रोसेस है वो किसी भी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे अब जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन इज क्लोज, है क्योंकि मैं ये पास कर गया था। अब जैसे ही मुझे कोई काम आएगा, मैं यहाँ पे सेट रिमाइंडर को क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही इनको कोई वर्किंग होगी रिगार्डिंग माय थिंग, तो मुझे वो पिंग करके मुझे वो काम असाइन कर देंगे ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर मैं डेटा इंजीनियरिंग की प्रोफाइल लेके टॉप टेल कोई भी चार्ज नहीं करता, टॉप टेल आपको डायरेक्ट ही पेमेंट करता है। ये आप समझ लें कि टॉप टेल आपको ऐसा जॉब प्रोवाइड करता है ओवर अ फाइबर। तो माइलस्टोन से आप कंप्लीट करेंगे या बाय प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। बिडिंग मैं $40 की नहीं करने लगा, मैं बिडिंग करूंगा यहां पर $100। नाउ आई एम गोइंग टू बिड ओवर लाइक $100। $100 की बिड की ड्यूरेशन मैंने सेट की लेस देन अ मंथ, जो उसका प्रोजेक्ट है। अब इसके लिए मुझे कवर लेटर लिखना है, तो कवर लेटर मैंने ऑलरेडी एक सेट किया हुआ है अपना। ओके शफकतुल्ला, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको हम ऐसे ही गाइड करते रहेंगे। तो अब जैसे मैं यहाँ पर अपनी एक प्रोफाइल अटैच की हुई है, तो मेरे पास मेरी ये प्रोफाइल है, मैं इसको यहाँ से लिखूंगा और यहाँ पर अटैच कर दूंगा अपने कवर लेटर के अंदर। ये मैंने अपना कवर लेटर अटैच कर दिया यहाँ पर। OCR, विल यू बी यूजिंग एन OCR एप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पे OCR एप्लीकेशन में भी यही चीज अटैच करूंगा। एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट सेम। अटैचमेंट अपलोडेड, तो यहाँ पे या तो आप अपनी CV अपडेट कर दें, अगर आपके पास CV अपडेट नहीं है आप खाली इसको एज अ सबमिट प्रपोजल कर दें, आई अंडरस्टैंड, और इसको सबमिट कर दें। अब आपका जो पहला प्रपोजल जाएगा, ये प्रपोजल आपका आपका कवर लेटर आपको जीत के देगा कि इस प्रपोजल में क्या काम होना चाहिए था क्या काम नहीं। अच्छा, अब आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि मुझे फटाफट कैसे पता लगा कि ये प्रोजेक्ट इतने का होगा या प्रोजेक्ट इसका किया जा सकता है। जब क्लाइंट ने दो चीजें यहां पर लिखी होती हैं, यहां पर लिखा हुआ था डेटा प्रोसेसिंग, इट मींस कि मेरे डेटा इंजीनियरिंग का काम है। फॉर समवन विद द राइट स्किल, एक्सट्रैक्ट और ट्रांसफर ट्रांजैक्शन डेटा ऑफ ओल्ड PDF बैंक स्टेटमेंट थ्रू स्प्रेडशीट। तो एक छोटी सी डेटा एनालिटिक की क्यूरी लगेगी, या वेबसाइट पे जब हम काम कर रहे होते हैं हम छोटी सी डेटाबेस की क्यूरी लगा के PDF से उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर देते हैं अकॉर्डिंगली। सो इसमें अगर 10 लाख का डेटा भी होगा तो भी वो इजीली कन्वर्टेबल होती है। तो दैट्स व्हाई मैंने उसको $100 की कोट दी है। तो ये क्या करेगा, ये इस प्रपोजल के अगेंस्ट में, मुझे ऑफर करेगा $75 की। अब मुझे इस चीज का कैसे पता, विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंस एंड टाइम आपको ये चीज का आइडिया हो जाएगा कि अगर किसी ने लोअर बिड किया हुआ है आप उसको हायर बिड पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहां से अगर मैं अपनी प्राइवेसी चेंज करता हूं टू पब्लिक, अगर मैं यहां से इसको पब्लिक पे कर देता हूं तो पॉइंट क्या आएगा कि मैं इसको फ्रीलांसिंग जो प्लस प्लान है मुझे उसको भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा।
मैं इसका फ्रीलांसिंग प्लस प्लान को प्लस प्लान में अपने आप को अपडेट कर देता हूं कि फ्रीलांसिंग के अपडेटेड प्लान में अपने आप को अपडेट कर देता हूं। इधर प्रमोशनल कोड तो कोई भी नहीं है, सो आई जस्ट नीड कि ये मुझे एक्टिवेट कर दे। अच्छा मुझे ओके अच्छा मुझे वो कह रहा है कि अब मैं पहले अपनी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई करूं अगेन। ठीक है अच्छा ठीक है, मैं इधर से आइडेंटिटी वेरीफाई करके अपना क्रेडिट कार्ड लगा के तो ये मैं वेरीफाई करवा लूंगा आज की डेट में ही। जब वेरीफाई करवाने के बाद मैं इसका जो प्लस प्लान है वो बाय इजीली कर लूंगा। अच्छा शबकतुल्ला, मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है, डॉक्टर मोहम्मद दाऊद, और ये कोर्स जो है ये 2 मंथ्स का है ऑनलाइन, जिसको आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं विद इन फ्यू मंथ्स, और फिर बाद में अर्निंग का रिसोर्स अपना बना सकते हैं फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल के ऊपर। अच्छा जो प्रो सर्विसेज है उसने टेम्प्रेरी ब्लॉक किया हुआ है, प्रो सर्विस में इसका प्लान नहीं बाय कर सकता। अच्छा ये प्रोफाइल पब्लिकली मेरी कैसे नजर आ रही होती है? ये प्रोफाइल पब्लिकली लोगों को इस तरह नजर आती है। अच्छा एक तो चीज हमने डिस्कस कर ली, ओके डन हो गया है, शफकतुल्लाह आपके पास वीडियो आ जाएगी। एक तो चीज डन होगी कि हाउ टू मेक अ शॉर्ट प्रपोजल, हाउ टू मेक अ शॉर्ट प्रपोजल। अच्छा अब हमारे पास है हाउ टू हैंडल अ क्लाइंट। आपसे अगर क्लाइंट बात करता है कि आई नीड अ प्रोजेक्ट इन $80, आप उसको 80 की बजाय आप उसको $100 की कोट दोगे, $100 की कोट के साथ आप उसको सैंपल शो करोगे। सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग होगी ऐसा आपको इस सेशन की वीडियो एलएमएस पे मिल जाएगी, सो डोंट वरी। अच्छा सैंपल शो होगा, सैंपल आप उसको शो करोगे, सैंपल आप गिटहब से भी ले सकते हो, आपके पास गिटहब के बाद गिट क्लोन है, वहां से भी ले सकते हो, आप गूगल कैगल से सैंपलिंग ले सकते हो, और आप पिंट्रस्ट से ये सैंपलिंग उठा सकते हो। अब ये है क्या सैंपलिंग? क्या होगी? आप किसी भी किस्म का काम कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, कुछ भी है, डिजिटल मार्केटिंग का आप सैंपल ले सकते हो। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट के सैम्पलिंग की बता देता हूँ ताकि आपका जो प्रपोजल है वो बिगेस्ट प्रपोजल बने। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग का करना चाहते हो काम तो आप सैम्पलिंग लोगे फेसबुक ब्लूप्रिंट्स में से, आप इसका डेटा जो है वहाँ पे कर दोगे, क्योंकि आप कर तो मार्केटिंग ही रहे हो, ये भी मार्केटिंग ही है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्चुअली में ब्लूप्रिंट्स में जो वो करवाना चाह रहा होता है वो आप सारा डेटा उसको शो कर सकते हो ब्लूप्रिंट्स के सॉल्यूशंस में आके। प्रमोट योर लोकल बिजनेस, इसके जितने भी की पॉइंट्स हैं वो आप वहां पे मेंशन कर दो, क्योंकि आप कर वही रहे हो लेकिन ये टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे लिखी जाएंगी और आप वही काम कर रहे होते हो। सेकेंड, अगर आप कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हो, रबिया इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन डू आस्क, मैं वही बताने लगा हूँ। आप वेब डेवलपमेंट के अंदर आप काम कर रहे हो, रिएक्ट है या कोई भी आपने सैम्पलिंग लेनी है, आपने कोड पैन रिएक्ट सैंपल्स या एग्जांपल्स आपने ओपन करनी है। कोड पैन में रिएक्ट एग्जांपल्स आप ओपन करोगे कोड पैन में, कोड पैन में आपकी जब रिएक्ट एग्जांपल्स ओपन होंगी या कोई भी वेबसाइट के रिगार्डिंग आपने कोई भी सैंपलिंग लेनी है तो आप यहां से कर सकते हो। जी जी मैं आपको बता रहा हूँ मरियम, ग्राफिक डिजाइनिंग का कैसे होगा ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसमें अभी आपको
मैं कंफर्म बताता हूँ कि आपने मनी विड्रॉ कैसे करनी है। अच्छा, वेबसाइट के ऊपर आप कोड पैन से आ जाओगे, ग्राफिक्स के ऊपर आप चले जाओगे बिट ग्राफिक्स पे। एग्जांपल्स, बिट ग्राफिक की एग्जांपल्स पे जाके आप ग्राफिक्स की एग्जांपल, ग्राफिक डिजाइनिंग की एग्जांपल्स को पिक कर सकते हो। जो ये वो एग्जांपल्स होंगी जो आज तक किसी ने नहीं बनाई होंगी। कंटेंट राइटिंग की आप कोड पेन राइटिंग से सारी एग्जांपल उठा सकते हो जो कंटेंट राइटिंग करना जानते हैं। इसके बाद जो हमारे पास डिफरेंट डेटा साइंस के हैं वो गूगल कोलैब पे जा सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं फाइवर से या बाकी जगह से पैसे विथड्रॉ कैसे किए जाते हैं। आपको चाहिए होगा एक हाइपर वॉलेट। उस्मान गनी, यस, मेरे पास रेड डीएस की जॉब अवेलेबल है, मेरे पास ये चीजें अवेलेबल हैं। ओके, अच्छा, मेरे पास जॉब्स और दूसरी चीज़ें अवेलेबल हैं रेक जीएस के अंदर। आपको बस सीवी सेंड करनी पड़ेगी पाकिस्तान फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पे, सो वी कैन इजीली गेट टू यू फॉर द जॉब पर्पस एज वेल। अच्छा, हाइपर वॉलेट प्रोग्राम में जिस वक्त हम जाते हैं हाइपर वॉलेट में, तो यहाँ से आपको अपवर्क, एक्चुअली यहाँ से आपको एक पेपॉल मिलता है विच विल यू इजीली कनेक्टेड टू योर अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसिंग, एवरी आईडी। उसके बाद ये जैसे मेरे पास मेरी रजिस्ट्रेशन है, मैं इसको लॉग इन करता हूँ। मुझे इसको अगेन, मैं आपको इसका एक तरीका भी बता देता हूँ कि हाउ यू गोना मेक योर सैंडबॉक्स आईडी रिलेटेड टू एपीआई। आपने यहाँ पर अपनी एक आईडी क्रिएट करनी है। आईडी आप क्रिएट कर लोगे तो आपको ये एक अकाउंट डिटेल मिलेगी ब्लो। मैं यहाँ पर इस अकाउंट डिटेल के ऊपर नहीं जाता, अभी इसके ऊपर भी नहीं जाता। अकाउंट आईडी आपको क्या रिक्वायर्ड होगी, यूजर आईडी। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ डॉक्टर एम डी टी एल के स्टॉक्स। आज दोपहर शाम तक इसको इजीली अपडेट कर दिया जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। तो अब ये वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, लेट्स सी। सब कुकीज करके देख लेते हैं। अब इट्स नॉट गोइंग ऑन, तो इट मींस कि मेरा यहाँ पे जो यूजर नेम है ये शायद मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, डॉक्टर एम डी टॉक। अभी भी ये मेरे आईडी नहीं बनाने दे रहा, इट मींस के ये ऑलरेडी बनी हुई थी इंटायर सेक्स। इसको कर देते हैं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ ++1। लेट्स सी, अगेन वही आ रहा है और इसको मैं पाकिस्तान ही रहने देता हूँ। सो इसमें कुछ ऐसी गड़बड़ है जो कि जिसकी वजह से मुझे आगे नहीं जाने दे रहा। सो डॉक्टर एम डी टी ओके स्टॉक्स, लेट्स सी। दैट मींस कि ये आईडी अभी अवेलेबल नहीं है, मैं इसको किसी और आईडी पे क्रिएट करके देखता हूँ। क्योंकि जो हमारा सैंडबॉक्स होता है
ये आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन देगा जो इंफॉर्मेशन एक्चुअली आपको रिक्वायर्ड होती है. ओके अच्छा, ये सैंडबॉक्स जहाँ तक मुझे आइडिया है ये मेरा लॉगिन हो जाएगा, अकाउंट आईडी और यूजर आईडी. ओके ठीक है, मैं सैंडबॉक्स लॉगिन करता हूँ अपने गूगल के ईमेल आईडी से, क्योंकि ये एक वाहिद तरीका है जो आपको आपका पेपॉल अकाउंट बना के दे देगा. सो आई एम गोइंग टू मेक माय आईडी, इसको मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ INTELLIXX. पासवर्ड ओके, नाउ मैंने सबमिट कर दिया. अच्छा ये 10 करेक्टर तक जाइए, 8 7 8 7 और ओके. सो मेरे पास ये मेरा सैंडबॉक्स जो है अब ये बन जाएगा. पासवर्ड अपना अपना. सो सैंडबॉक्स ये मेरा बन गया यहां पर. अब मुझे एक ईमेल सेंड की जाएगी, उस ईमेल के अंदर इस ईमेल में मुझे कुछ डेटा मिलेगा. इस ईमेल में मुझे कुछ डेटा मिलेगा. सो आई एम गोइंग टू लॉग आउट दिस वन. हाँ ये आपको LMS पे मिल जाएगा, सो डोंट वरी. सो ये मेरे पास मेरा डेटा और वर्किंग आ गई. यहाँ से मैं गेटिंग स्टार्ट कर दूंगा और गेटिंग स्टार्ट मुझे इसी लॉगिन आईडी पे ले आएगा. इस लॉगिन आईडी पे जो मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो होगा एक नंबर जो यहाँ पर गिवन है, एक नंबर जो यहाँ पर गिवन है, और यूज़र आईडी जो अभी हमने यूज़र आईडी रखी थी ये आगे एक मिनट, ये वो नंबर आ गया. यूजर आईडी जो हमने रखी थी, अब वो क्या रखी थी, वो रखी थी इफ आई रिमेम्बर दैट यूजर आईडी क्या थी, तो इसको लॉगिन करना था. ओके नहीं नहीं मैंने ये आईडी नहीं रखी, हुज़ैफ़ा आईडी मैंने चेंज रखी है. ये मैंने लॉगिन कर दिया. सो ये मेरा एक डैश आ गया हाइपर वॉलेट का, जो कि एक्चुअली मेरा पेपॉल है, पेपॉल सर्विसेज है. इसकी मेरे पास दूसरी इंफॉर्मेशन भी यहां पर गेट होती है, वो क्या है, लॉग्स कनेक्शंस. ये मेरे पास एपीआई प्रोग्राम टोकन्स हैं, एपीआई प्रोग्राम टोकन्स हैं, एपीआई प्रोग्राम टोकन्स, जिसको मैं गो लाइव पे जाके ये एड्रेस आ जाएंगे मेरे यहां पर. गो लाइव पे जाके ये मेरा डैश अब लाइव हो गया है. ये है मेरे पास मेरा पेपॉल अकाउंट की सर्विसेज का डेटा, पेपॉल अकाउंट की सर्विसेज का डेटा.
अब मैं ये क्या करूंगा, ये जो सारी चीजें हैं सैंडबॉक्स से, ये वाला है, इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा अपने अपवर्क या उसके पेमेंट मेथड के साथ फाइवर के। ठीक है, ठीक ठीक है शफकतुल्ला, यू विल गेट दिस। सहर आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप टाइप करके भी बता सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली यू वांट टू नो अबाउट दिस वन। तो ये डिफरेंट वर्किंग चीजें होती है। अब जैसे मैं इसको प्राइवेट इसको कर दूंगा तो ये मेरा पब्लिक पे जाके सेव हो जाएगा और मुझे फिर ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब कंसर्न ये है कि फाइवर से आप पैसे किस किस बैंक में, पाकिस्तानी बैंक में विथड्रॉ करवा सकते हैं। तो आपके पास अलाइड बैंक है एंड सेकंड आपके पास है अलाइड बैंक के अंदर फ्रीलांसिंग आईडी बन जाती है, सेकंड आपके पास है मिजान, मिजान बैंक फ्रीलांसर। ये दो वाइड ऐसे बैंक है जहां से आप इजीली अपनी वर्किंग कर सकते हो फ्रीलांसर अकाउंट की, पैसे विथड्रॉ करवा सकते हो विदाउट हैविंग एनी टैक्स, विदाउट हैविंग एनी टैक्स। आप इनको टैक्स नहीं पे करते जिस तरह आप टैक्स पे करते हो डिफरेंट जगह पर। सो ये आपको एपीआई इंटीग्रेशन मिल जाएगी, सो दिस विल बी योर एपीआई इंटीग्रेशन। इसमें पेपॉल का पोर्टल भी आपको उसके साथ एक्सेस मिल जाता है और बाकी सारी चीज़ों का भी एक्सेस आपको मिल जाता है इसमें, जिसके थ्रू आप बहुत इजीली इस पोर्टल के ऊपर काम कर सकते हैं। इजीली यू कैन इजीली वर्क ऑन दीज पोर्टल्स फॉर, अब जैसे मैं फाइबर पे आया, फाइबर पे मैसेज ओके ठीक हो गया। तो ये आईडी भी प्रैक्टिस आईडी की बनाई गई है, जब फ्रीलांसिंग हम सिखाते हैं उसमें ये प्रैक्टिस आईडीज बनाई जाती है। तो यहाँ पर जब ट्रांसैक्शन की बारी आती है तो आपको फाइबर प्रो में एक दफा जाके इसको एक दफा अपने आप को रजिस्टर्ड कर लो, स्विच टू सेलिंग। उस्मान गनी, यूबीएल वाले ना टैक्स काटते हैं, दैट्स व्हाई यूबीएल में टैक्स कट जाता है। तो आई वोंट प्रेफर कि आप यूबीएल में जाएं। यहां से आप आएंगे स्केल योर बिजनेस, और फिर कॉन्टैक्ट्स में, क्योंकि मैं अपना जो सेलर है वो ऑलरेडी बना चुका हुआ हूँ, माय सेलर माय बायर। ओके सर, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब वर्किंग में मेरे पास मेरा एक सेलर है एक बायर है। आप जब यहां से अपने अकाउंट को, बिलिंग को आप जब चेंज करते हैं, बिलिंग हिस्ट्री को, तो यहां से आप बिलिंग इंफॉर्मेशन में जब क्रेडिट कार्ड ऐड करेंगे इनवॉइसेस के लिए, तो आपने अपना बैंक जो एचपीएल है या जो बाकी हैं, सॉरी एचपीएल कह रहा हूं, अलाइड बैंक है जो, और आपके पास मिजान बैंक है, आप उसके थ्रू पैसे डायरेक्ट निकलवा सकते हैं या आप हाइपर वॉलेट की एपीआई को इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका पेपॉल सर्विसेज है इन पाकिस्तान। पेपॉल या पे आउट मैथड, यहाँ पर वर्चुअल पेमेंट मैथड्स भी अवेलेबल है। आप डिफरेंट वर्चुअल पेमेंट मैथड्स को भी यहाँ से सिलेक्ट करके अटैच कर सकते हैं अपने अकाउंट की आईडी के साथ, अपनी अकाउंट की आईडी के साथ। So that's how you're gonna make a lot of working in the Fiverr and Upwork. That's how you're gonna make a lot of working in Fiverr and Upwork IDs. So ye virtual payment accounts bhi aap apne Fiverr ke saath payout methods ke saath set kar sakte hain. Virtual payout methods bhi aap yahan par apne email ID ke saath set kar sakte hain. So that's how you're gonna withdraw your money from any of your Fiverr, Upwork or portal account. और इसमें एक चीज हमने जो देखी वो ये था कि हाउ टू टेक केयर अ प्रपोजल एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ अ क्लाइंट। इफ यू स्टिल हैव एनी क्यूरीज तो हम इस तरह के अगले सेशंस लेके आएंगे
आप अपने क्वेश्चंस हमें पोस्ट कर सकते हैं सो दे कैन वी कैन इजीली रिव्यू योर क्वेश्चंस एंड गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. जी जी एसन जी जी यू कैन आस्क.